सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पर जवाबी हमला बोला है। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान एवं प्रवक्ता धीरज दुबे ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में कहा कि ठेकेदारी पूर्व विधायक की पेशा रही है। इसी क्रम में उन्हें अलकतरा घोटाला में जेल भी जाना पड़ा था। ठेकेदारी में कमीशन लेना और देना दोनों पूर्व विधायक भली भांति जानते हैं। अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान पूर्व विधायक 4-5 पोसुआ ठेकेदार रखे हुए थे, जिन्हें वो ठेकेदारी दिलाते और कमीशन लेने का काम करते थे। आज वैसे लोगों का व्यवसाय बंद हो जाने से पूर्व विधायक बिलबिला उठे हैं। वो अपने सगे लोगों के नहीं हुए तो गढ़वा की जनता के कहां से होंगे। अध्यक्ष तनवीर आलम ने मीडिया को बताते हुए कहा कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर विगत 3.5 वर्षों में कई भूमिहीन परिवार जो दलित और आदिम जनजाति समाज से आते थे, उन्हें पट्टा दिलाकर कल्याणपुर आदि जगहों पर बसाने का काम किया है। ऐसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ वो फरठिया के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जिले के प्रत्येक गांव में स्थित गैर मजरुआ जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा रहता है और जब सरकारी योजनाएं आती हैं तो प्रशासन उसे कब्जा मुक्त कर विकास की योजनाएं धरातल पर उतारने का काम करती है। ऐसे में इनकी नकारात्मक राजनीति विकास विरोधी प्रतीत होती है। जिलाध्यक्ष ने यह भी आश्वस्त किया है कि किसी भी व्यक्ति को जाड़ने का काम नहीं किया जाएगा और जो विकास की योजना मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा गढ़वा में लाई गई है उसी भी धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, कल का वीडियो हम देख रहे थे तो उनका तो काम है हंसना हंसाना। चूंकि बदलाव का लहर में चुनाव जीत गए थे, दूसरी बार किसी और के नाम के लहर में चुनाव जीते और दूसरी बार चुनाव जीते भी तो माफी मांगते हुए कह रहे हमारा तो सीखी में 5 साल लागी लखो, अबरी बार वोट देता अबरी जीता तो अबरी बार कुछ करब। लेकिन फिर जनता ठगा हुआ अपने आप को महसूस किया, जिसका परिणाम 2019 में देखने को मिला कि उनको यहाँ से बोरिया विस्तारा सीमेंट के हटना पड़ा। तो ये तो अपने कल के बयान में बोले हैं कि मैं ब्लॉक में ठेकेदारी करता था, चुइयां कुइयां टुइयां का ठेकेदारी करता था, 4-5 हज़ार कमाता था। आप उसका वीडियो देखिएगा, अभी वायरल भी हो रहा है। तो जो आदमी का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, ये आदमी पहले ब्लॉक लेवल पर ठेकेदारी करके लूटते थे, उसके बाद जब विधायक बने तो 40 करोड़ का पूरा विधायक कोटा ही डकार गए और मात्र 4-5 आदमी पोसुआ जिसको बोलता है ना, पोसुआ आदमी रखे हुए थे 4-5 आदमी ठेकेदारी करने के लिए, वही 4-5 आदमी को ठेका मिलता था और कमीशन खोरी, क्योंकि ठेकेदार थे तो कमीशन खोरी कैसे लिया जाता है कैसे दिया जाता है ये भी वो जानते थे। इसलिए आज जब उनके जो पोसुआ को ठेकेदारी नहीं मिल रहा है तो बिलबिलाए हुए हैं। और पिछला चुनाव में आपको याद होगा कि 25 लाख रुपया पकड़ाया था, तो 25 लाख रुपये एक विधायक का कहाँ से आया, अभी तक इसका जांच नहीं हुआ है क्योंकि उस समय उनकी सरकार थी। ये वही कमीशन खोरी का पैसा था, ये वही विधायक कोटा के डकैती का पैसा था और यही इनका काम है। विगत दशम में एक रामचरितमानस का एक पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनी तैसी। तो जो जिस भावना से रहता है उसको पूरा संसार वैसा ही दिखता है। इनको ठेकेदारी कराते थे करते थे, इनको लगता है कि जो अभी विधायक बना वो भी ठेकेदारी और यही करता होगा। माननीय, आप में अगर इच्छा शक्ति होती, आप में दम होता तो आप गढ़वा को आज 10 साल में सजग जिला बना देते, जागरूक जिला बना देते, विकसित जिला बना देते। लेकिन नहीं, आपका काम था लोगों को बहलाना फुसलाना, झूठ बोलना, ठगना। एक आप कहानी पढ़े होंगे, अली बाबा 40 चोर, यह है ठग बाबा 4 चोर, 40 भी इनके पास संख्या नहीं बचा है। आए दिनों विकास के कार्य में बाधा डालने का हर उद्यम प्रयास कर माननीय पूर्व विधायक के द्वारा किया जा रहा है। विकास के कार्य को देख करके वह एकदम घबरा गए। जिस तरह से सांप बियर में घुसता है और गर्म पानी डाल दीजिएगा उसके बियर में और निकलता है तो लगता है कि किसको हम नोच दें, किसको खुसड़ दें, उस तरह का पूर्व विधायक आज के कार्य को देख करके घबरा गए। उसी का फलस्वरूप है कि अभी एक जो अल्पसंख्यक विद्यालय आया, कोई भी काम अगर आता है, विद्यालय ही नहीं किस तरह का सरकारी काम आता है तो उसमें भूमि की जरूरत पड़ती है और वह भूमि अंचल पदाधिकारी के द्वारा चिन्हित करके दिया जाता है, उस पर काम होता है।
अगर जिसको आपत्ति होता है तो सक्षम पदाधिकारी के यहाँ अप्लीकेशन देते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। अगर वो भूमि सरकारी होता है, गड़बड़ हुआ होता है तो उस पर काम होता है और नहीं तो दूसरा लिखा जाता है। लेकिन जलूल अनपढ़ गंवार जैसा पूर्व के जनप्रतिनिधि अपना बातें पुनगणत कहते रहते हैं, इस तरह का बातें सोचते वह तो इतना बड़ा यहाँ के समाधानालय बन रहा है, जिंदगी भर विधायक रहते तो नहीं बनवा पाते, इतना बड़ा टाउन हॉल नहीं बनवा पाते, इस तरह का खेल मैदान नहीं बनवा पाते, इतना सोचना ही बेमानी है यहाँ की जनता को। लेकिन जो जनता 10 साल विधायक रहे, 10 साल में उनको जो विधायक राशि 40 करोड़ रुपया मिला, वह पैसा सही विधायक बनने के बाद वह कहा कि दलसेनगंज का बिल्डिंग हो या गढ़वा का बिल्डिंग हो, उन्होंने उस महल को बनवाने का काम किया। और आज जब माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कार्यकलाप को देख रहे हैं, जैसे जैसे समय नज़दीक आते जा रहा है वह बौखला गए हैं कि सारा काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहीं आदिवासी भाइयों को लेकर तो कहीं चौधरी भाइयों को लेकर के बरगलाने फिर गाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग जो बचपन में थे तो एगो सर्कस लाता था, तो सर्कस जब लगता था तो उसमें एक फंक्शन होता था, एक कैरेक्टर होता था, जोकर रहता था उसमें। जोकर का काम देखते पर पूरा जितना भी देखने वाला आदमी होता था सारे लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर देता था, लेकिन ना काम उसका क्या था तो जोकर। तीसरी तरह ईमानदारी का काम करके जोकर का काम करने के लिए अपने कुछ लोगों को अनपढ़ जनता हो या सीधा साधा जनता हो उसको लेकर के फुटलाते बैठाते चल रहे और एकदम अपने आप को बेतरतीब बातें करते आ रहे हैं। 10 साल में तो वो अपने विधायक के कार्य में कुछ कर नहीं पाए और जब आज काम गढ़वा विधानसभा में हो रहा है तो लग रहा है कि कोई काम अब बाकी नहीं छूटेगा तो हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गढ़वा की जनता के लिए वो क्या करेंगे, जब अपने रिश्तेदार अपने भाई भतीजा को नहीं हो सकते हैं, जब उनके ऊपर केस हुआ अलकतरा घोटाले का, जब अलकतरा घोटाला कर करके पैसे से तो मैंने ठेकेदार थे, उनका काम है था रोड बनवाना, छरी सीमेंट फटवाना, बाकी काम कैसे सरकार के यहाँ आएगा, कौन फंड से आएगा, कौन सब चीज क्या जाना होगा, इसकी जानकारी लगता है कि उनको नहीं है। वहाँ के लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन? लोग तो है कि जो आदमी जमीन अगर पड़ती है सरकारी है तो जो आदमी उस पर फायदा ले लेता है।